आज ट्वेल्थ का एक फिजिक्स का टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसकी बात करते हैं। इस पूरे वीडियो के अंदर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इस पूरे वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, ये सभी क्वेश्चंस के इस वीडियो में आपको मिलेगा। ये वीडियो आखिरी तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। द क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन एन सब्सटेंस इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, मीनिंग दैट किसी भी पार्टिकल पर, किसी भी सब्सटेंस पर जो चार्ज होता है वो हमेशा इंटीजर के मल्टीप्लाई के इक्वल टू होता है। अब इसका फॉर्मूला, द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ए चार्ज बॉडी, किसी भी चार्ज बॉडी पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई के इक्वल टू होता है। n होता है यहाँ पे नेचुरल नंबर्स, इंटीजर नंबर्स होता है 1, 2, 3, 4 डैश इस टाइप से। e होता है लीस्ट चार्ज ऑन एनी पार्टिकल, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। इसके बाद यहाँ पे अपन देखते हैं किसी भी पार्टिकल पर जो चार्ज पॉसिबल है वो 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से पॉसिबल होता है। लेकिन चार्ज कभी भी इस टाइप से पॉसिबल नहीं होगा 3/2 −0.78 इलेक्ट्रॉन, 0.142 इलेक्ट्रॉन, 5/2 इलेक्ट्रॉन, 11/2 इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से कभी चार्ज पॉसिबल नहीं होता है। आप समझ गए होंगे कि चार्ज हमेशा इंटीजर के फॉर्म में ही पॉसिबल होता है, 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है पॉइंट के फॉर्म में 0.7 या 3/2 इस टाइप से कभी पॉसिबल नहीं होता है। ये अपने पास लॉग क्वांटाइजेशन का क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन ई फॉर्मूला है। यहाँ पर ई इक्वल टू ई के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को ई की पावर माइनस से डिनोट करते हैं, पर यहाँ पर लिखा नहीं है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब होता है। ये चार्ज इस फॉर्म में पॉसिबल है बट कैन नॉट बी पॉसिबल। कई बार ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं कि चार्ज पॉसिबल है, तो चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के इस टाइप से पॉसिबल होता है लेकिन अपॉन में पॉसिबल नहीं होता है। ये क्वांटाइजेशन का एक रीजन है कि अपन समझ गए। द कॉस्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज दैट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर नंबर। अब इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन आता है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन 1 कूलम्ब चार्ज। एक कूलम्ब चार्ज पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो सबसे पहले गिवन दैट है अपने पास q इक्वल टू में 1 कूलम्ब चार्ज। e की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है 1.6 × 10⁻¹⁹। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपन को फाइंड करना है, तो अपने लॉग क्वांटाइजेशन लगाए q इक्वल टू अपने पास n e। q की वैल्यू अपन ने 1 पुट कर दी है, e की वैल्यू उसके डिवाइड में ले जाएंगे 1.6 × 10⁻¹⁹, n की वैल्यू से फाइंड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले n 10⁻¹⁹ को ऊपर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, तो उस पूरे को सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 6.25 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो एक कूलम्ब चार्ज पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 × 10⁻¹⁹। एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज होता है उसका रीजन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेन रीजन ऑफ चार्जिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो उसका क्या रीजन होगा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक और क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन 1 कूलम्ब चार्ज। एक कूलम्ब चार्ज पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये अपने देख लिया है। अब दूसरे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द चार्ज इन द कूलम्ब इन द न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन 7 and 14। ये अपने न्यूक्लियस दिया, नाइट्रोजन का न्यूक्लियस दिया, इस पर चार्ज कितना होगा? तो आपको पता है कि यहाँ पर ये इसका एटॉमिक नंबर होता है, ये इस पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं अपने पास? नाइट्रोजन पर 7 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 7 होंगे। ई की वैल्यू फिक्स है ही, क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन ई इसका फॉर्मूला होता है। एन की वैल्यू पर 7 पुट कर दी, ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब पुट कर दी, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो अपने पास आंसर जाएगा 11.2 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। एक और क्वेश्चन आ जाता है, ए कंडक्टर हैज 14.4 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज, लैक ऑफ हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर ऑन इट। एक इलेक्ट्रॉन, एक पार्टिकल है जिसके ऊपर इतना चार्ज है, उस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो यहाँ पे अपने पास चार्ज दिया है, चार्ज पुट कर लिया है, ई की वैल्यू फिक्स होती है, क्यू इक्वल टू एन अपॉन ई, इससे अपन एन की वैल्यू फाइंड कर ली, ई को इसके डिवाइड में ले जाएंगे, क्यू की जो वैल्यू दी थी अपन को 14.4 × 10⁻¹⁹ पुट कर दी, ई की वैल्यू कितनी है अपने पास? 1.6 × 10⁻¹⁹ वो पुट कर दिया। सिंप्लीफाई करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आएगा 9। तो एक पार्टिकल जिस पर इतना पॉजिटिव चार्ज है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 9 इलेक्ट्रॉन्स है। एक लास्ट क्वेश्चन है, कैन ए सब्सटेंस हैव द चार्ज 6.0 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। किसी सब्सटेंस पर इतना चार्ज पॉसिबल है कि नहीं? तो अपन देख के नहीं बोल सकते हैं, इसको अपन सॉल्व आउट करते हैं। चार्ज दिया हुआ है क्यू इक्वल टू में 6.0 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब, ई की वैल्यू दी है, इसके बाद फार्मूला होता है क्यू इक्वल टू एन ई, इसे एन अपन ने फाइंड करा, क्यू अपॉन ई, क्यू की वैल्यू जो गिवन थी पुट कर दी, ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹ पुट किया, जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 37.5, जो पॉसिबल नहीं है। किसी भी पार्टिकल पर हमेशा पॉइंट में इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि किसी भी पार्टिकल पर यह चार्ज पॉसिबल नहीं है।
ये अपना लॉग क्वांटाइजेशन का छोटे से क्वेश्चन थे जो बच्चों के लिए 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए काम आते हैं। और एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, ये लॉग क्वांटाइजेशन का डेफिनेशन है, आप लिखना चाहते लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को जो अपन ने डिफाइन किए हैं वो क्वेश्चंस कर लें। ये वाला क्वेश्चन था और एक और अपन ने इसके जस्ट बाद अभी दूसरा क्वेश्चन किया था, वो भी क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। ये लॉग क्वांटाइजेशन का फिजिक्स का है, फिजिक्स के और भी कई वीडियोस आने वाले हैं, तो आप इसको लाइक कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि कई अभी और भी वीडियोस आने वाले हैं, जैसे गॉस थ्योरम आएगा वीडियोस, और भी कई लॉजिक गाइड्स का पहले ही डला हुआ है आपके यूट्यूब चैनल पे, और भी कई मैं वीडियो बना के डालूंगा, तो आप इसलिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।